Hello students, today we are going to learn unit 8B, the chapter The People's President. The People's President means, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं People's मतलब लोगों का या लोगों के, तो लोगों के President मैंने जो आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हों ऐसी किसी पर्सनालिटी या व्यक्तित्व के बारे में आज हम लोग जानने जा रहे हैं और वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले डू यू नो इसके बारे में, लिविंग टुगेदर एंड नॉट क्वेरलिंग विथ अदर पीपल इज़ अ ग्रेट क्वालिटी। आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हो कि एक साथ रहना, लिविंग मतलब रहना, टुगेदर माने एक साथ रहना और आपस में झगड़ा लड़ाई ना करना, यानी कभी कोई संघर्ष ना हो, झगड़ा ना हो, विथ अदर पीपल माने दूसरे लोगों के साथ कोई झगड़ा ना करना, फिर भी एक साथ रहना यानी शांतिपूर्ण तरीके से एक साथ रहना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, बहुत बड़ा गुण है। और डू यू नो द नेम ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्या आप भारत के सभी राष्ट्रपतियों के नाम जानते हैं? नाउ रीड अबाउट द प्रेसिडेंट हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारत के कैसे राष्ट्रपति के बारे में जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इन तीनों ही प्रश्नों के उत्तर हमें मिल जाएंगे और हमें बहुत सारी जानकारी मिलेगी पीपल्स प्रेसिडेंट के बारे में, यानी लोगों के बीच या लोगों के राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति के बारे में। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि क्या आप भारत के सभी राष्ट्रपतियों को या उनके नाम जानते हो, तो इसके बारे में मैं आपको इस चैप्टर के बाद वाले अगले वीडियो में बताऊँगी। फिलहाल हम लोग चलते हैं लेसन पे। रीड एंड एन्जॉय यानी पढ़िए और एन्जॉय कीजिए, इसका आनंद उठाइए। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक क्लासरूम का सीन है, कक्षा में टीचर पढ़ा रहे हैं और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे स्टूडेंट्स उनसे उनकी बातों को सुन के उनके जवाब दे रहे हैं। तो टीचर ने जो पहला क्वेश्चन किया, तो ये पूरा चैप्टर ही इस तरह के कन्वर्सेशन पे आधारित है जहाँ टीचर और चिल्ड्रन के बीच बातचीत चल रही है और इसी को पढ़ने के दरमियान हम अपने इन प्रिय राष्ट्रपति के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। टीचर कहते हैं या पूछ रहे हैं, डू यू नो हुज पिक्चर इज दिस। इस पिक्चर को दिखा के, इस चित्र को दिखाकर टीचर बच्चों से क्लास में पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है ये पिक्चर किन की है या कौन है ये। चिल्ड्रन बच्चे बोल रहे हैं, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ APJ अब्दुल कलाम। चिल्ड्रन ने कहा, बच्चों ने कहा कि यह पिक्चर यानी यह चित्र APJ अब्दुल कलाम जी की है। तो फिर टीचर ने पूछा या बताया, वेरी गुड, हिज फुल नेम इज अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। यानी टीचर ने कहा, उनके बच्चों के जवाब सही थे कि ये चित्र APJ अब्दुल कलाम जी के हैं। इस पर टीचर ने कहा, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और आगे उन्होंने APJ, ये जो APJ इसका फुल फॉर्म बताया, यानी उनका नाम कितना लंबा है, आप भी देखिए, ए से उनका नाम है अबुल, पी से है पाकिर, जे से है जैनुल आबदीन और उसके बाद अब्दुल कलाम। कैन एवरीवन से हु ही वाज। अब टीचर ने पूछा कि चलिए ठीक है, आप लोगों ने तो बता दिया ये APJ अब्दुल कलाम जी की चित्र है या पिक्चर है, लेकिन क्या आप में से कोई ये बता सकता है कि ये कौन है? अब चिल्ड्रन यानी फिर बच्चों की बारी है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया हम लोग वो जानते हैं। बच्चों ने कहा, ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत के राष्ट्रपति थे। तो इस तरह इन्होंने ये उत्तर भी सही दिया। फिर टीचर ने कहा, यस मतलब हाँ ये सही है, APJ अब्दुल कलाम वॉज आवर फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर माने होता है भूतपूर्व यानी जो पहले थे। तो टीचर ने कहा, हाँ सही है आपका उत्तर, APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो हमारे
पूर्व राष्ट्रपति थे. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ स्मॉल इंसिडेंट ऑफ दिस ऑफ हिज चाइल्डहुड. आज हम लोग इनके चर्चा करेंगे इनके चाइल्डहुड के बारे में. चाइल्डहुड मतलब बचपन. तो हम लोग अपने राष्ट्रपति के बचपन के बारे में और उनके बचपन की एक छोटी सी घटना के बारे में चर्चा करेंगे. डिस्कस मने चर्चा करना. इस तरह टीचर ने ये बात कही और आगे वो इसके बारे में या इनके बचपन के बारे में बताना शुरू करते हैं. तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं. डॉक्टर कलाम वॉज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931. डॉक्टर कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को रामेश्वरम में एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु रामेश्वरम में हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में है. हिज फादर उनके पिता जिनका नाम है जैनुलाब्दीन जो इनके नाम में भी लगा हुआ था वो इनके पिता का नाम है. जैनुलाब्दीन वॉज अ बोटमैन यानी नाव से जुड़े हुए काम करते थे उनके पिता. डॉक्टर कलाम स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड इन फिनेंशियल प्रॉब्लम. डॉक्टर कलाम का जीवन जो बचपन का था वो बहुत सुखद नहीं था क्योंकि वो लोग गरीब थे और हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता था. एंड हेंस स्टार्टेड टू वर्क अर्ली और इसी कारण से इसी वजह से उन्हें अपने परिवार को सहारा देने के लिए जल्दी काम शुरू करना पड़ा. यानी अब्दुल कलाम जी को अपनी पढ़ाई के बीच में ही बहुत कम एज से ही उन्हें काम करना पड़ा यानी कमाने का. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. डॉक्टर कलाम हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स. डॉक्टर कलाम जी के बचपन में 3 गहरे मित्र थे टू हिज चाइल्डहुड उनके बचपन में जिनमें से तीनों का नाम है रामानंद शास्त्री. मतलब एक है रामानंद शास्त्री, दूसरे अरविंदन और तीसरे शिव प्रकाशन. तो ये 3 उनके फ्रेंड हैं. ऑल दोज बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली. और ये जो सारे बच्चे हैं तीनों ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली से परिवार से बिलोंग करते मने आते हैं. तीनों ही हिंदू थे और रूढ़िवादी हिंदू परिवार ब्राह्मण परिवार से थे. बट नन ऑफ देम फेल्ट लेकिन इनमें से कोई भी चारों में से अब्दुल कलाम जी को मिलाकर 4 हुए इन चारों में से किसी को भी ऐसी भावना कभी महसूस नहीं हुई एनी डिफरेंस कोई भेदभाव महसूस नहीं हुआ इनमें बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस डिफरेंसेस क्योंकि उनके रिलीजन अलग थे यानी अब्दुल कलाम जी के अलग थे और उन तीनों के अलग. फिर भी इनके बीच आपस में कभी कोई ऐसी भावना या भेदभाव उत्पन्न नहीं हुआ जो उनके धार्मिक विभिन्नता के कारण या उनकी अपब्रिंगिंग यानी उनके बढ़ते उम्र के साथ साथ ये लोग साथ साथ खेले कूदे पढ़े लिखे और बढ़ते चले गए लेकिन इस बीच उन्हें कोई भी धार्मिक विभिन्नता या फर्क आपस में महसूस उन्हें नहीं हुआ. तो ये बहुत बड़ी बात थी यानी वो लोग बिना भेदभाव के आपस में बहुत गहरे मित्र थे. वन डे व्हेन डॉक्टर कलाम वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एक दिन जब डॉक्टर कलाम पाँचवीं कक्षा में पढ़ते थे अ न्यू टीचर केम इन हिज क्लास. उनकी कक्षा में एक नए शिक्षक का प्रवेश हुआ या एक नए शिक्षक आए. डॉक्टर कलाम यूज्ड टू वियर अ कैप. डॉक्टर कलाम जो थे वो एक कैप यानी छोटी टोपी होती है उसे यूज़ करते थे प्रयोग करते थे वो वही पहन कर आते थे. विच मार्क्ड हिम एज अ मुस्लिम जिसके चलते ये जो कैप थी ये उन्हें चिन्हित करती थी एक मुसलमान बच्चे के रूप में जिसे देख करके ही लोग समझ जाते थे कि वो मुस्लिम है. तो इस कैप के चलते वो चिन्हित हो जाते थे मुस्लिम के रूप में. ही ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो वो हमेशा अपनी कक्षा में सबसे आगे की पंक्ति में बैठते थे और नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री और रामानंद शास्त्री के बगल में ही बैठते थे क्योंकि वो उनका गहरा मित्र था. हु वोर अ सेक्रेड थ्रेड और रामानंद शास्त्री चूँकि ब्राह्मण फैमिली से थे तो वो अपने बॉडी में अपने शरीर पर जनेऊ धारण करते थे. जनेऊ मतलब एक धागे से बना हुआ होता. आप देखेंगे यहाँ चित्र में ये देखिए ये रामानंद शास्त्री हैं जो जनेऊ पहने हुए हैं और इनके ठीक बगल में
ये अब्दुल कलाम जी बैठे हुए हैं जिनके सर पे टोपी है, और ये लोग सबसे पहली प्रथम पंक्ति में बैठे हुए हैं साथ। इस तरह से ये दोनों साथ बैठे हुए थे। द न्यू टीचर कुड नॉट टॉलरेट इट, नए शिक्षक को ये सहन नहीं हुआ। ही थॉट, उन्होंने सोचा, हाउ अ हिंदू प्रीस्ट सन, कैसे एक हिंदू पुजारी का पुत्र कैन सिट विथ अ मुस्लिम बॉय, किसी मुस्लिम लड़के के बगल में या साथ में कैसे बैठ सकता है। ही आस्क्ड कलाम टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, इसलिए उन्होंने कलाम को कहा कि पीछे जाकर लास्ट बेंच पर या लास्ट पंक्ति में बैठे। कलाम फेल्ट वेरी सैड, कलाम जी बहुत उदास हुए। हिज फ्रेंड रामानंद स्टार्टेड वीपिंग, और उनका दोस्त जो मित्र है रामानंद, वो भी रोने लगा, क्योंकि दोनों बच्चे गहरे मित्र थे, एक दूसरे से अलग बैठने की बात पर रोने लगा। द इमेज ऑफ हिज वीपिंग, उनकी जो छवि थी रोने की रामानंद शास्त्री की, ये लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन, एक अंतिम छाप छोड़ गया ऑन कलाम, कलाम के हृदय पर या उनके मन मस्तिष्क पे, उनके मित्र का जो रोता हुआ चेहरा था वो अंतिम छाप छोड़ गया, यानी उन्हें भी बुरा लगा। आफ्टर स्कूल, मतलब स्कूल में उस दिन जब छुट्टी हुई उसके बाद, दे वेंट होम, दोनों घर गए एंड टोल्ड देयर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स, और अपने अपने पिता से उन्होंने इस बात का जिक्र किया अबाउट द इंसिडेंट, जो स्कूल में घटना घटी थी। रामानंद फादर लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद के पिता जिनका नाम था लक्ष्मण शास्त्री, कॉल द टीचर, उन्होंने इस बात को घटना को सुनने के बाद उस शिक्षक को बुलवाया। ही आस्क्ड हिम, और उन्होंने उससे कहा, टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल, या तो आप माफ़ी मांगिए इनसे या स्कूल छोड़कर चले जाइए, ऐसा आदेश उन्होंने दे दिया टीचर को। द टीचर एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक्स, अब उस शिक्षक ने अपनी गलती को स्वीकार किया और कहा, टोल्ड हिज फादर, उसके पिता से कहा, टू फॉरगिव हिम, कि उन्हें क्षमा कर दिया जाए, फॉर अबाउट देयर फॉर दैट बिहेवियर, उन्होंने जो बिहेवियर या व्यवहार किया है, गलत किया है, उसके लिए उन्हें माफ़ कर दिया जाए। दिस इंसिडेंट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द टीचर, इस घटना ने उस शिक्षक के व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया, और इस तरह दोनों दोस्त फिर एक साथ बैठने लगे या फिर रहने लगे। लेटर ऑन, बाद में, थ्रू हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत के बदौलत, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर, और बहुत मजबूत इच्छा शक्ति के कारण, डॉक्टर कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और यही वो बच्चा कलाम जी थे जो अपनी कड़ी परिश्रम और मेहनत के वजह से और मजबूत इच्छा शक्ति के कारण भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इतना ही नहीं वो एक बहुत महान साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक भी थे, एंड वेरी पॉपुलर अमंग चिल्ड्रन, और बच्चों के बीच बहुत ही लोकप्रिय, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में जाकर बच्चों से मिला करते थे। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न, उन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत भी किया गया है, द हाइएस्ट सिविलियन अवॉर्ड ऑफ इंडिया, भारत रत्न जो भारत के नागरिकों का सबसे ऊँचा सबसे बड़ा अवॉर्ड है। ही डाइड ऑन 27 जुलाई 2015, 27 जुलाई 2015 को उनका देहांत हो गया। इस तरह आज हमने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बहुत रोचक बातें जानी, और ये भी जाना कि वो कितने महान राष्ट्रपति हमारे देश के थे, साइंटिस्ट थे, और इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि वो उन्होंने बहुत सारी मिसाइलों के निर्माण में अपना योगदान दिया, और इनके बारे में हम लोग और भी जानेंगे। इन न्यू बर्ड्स जो आए हैं उनके हम लोग हिंदी अर्थ जान लेते हैं। सेक्रेड माने पवित्र, टॉलरेट माने सहन करना, ऑर्थोडॉक्स यानी रूढ़िवादी, अपब्रिंगिंग्स माने साथ लालन पालन, इंसिडेंट मतलब घटना, और अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगना। तो इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मैं वर्ड मीनिंग लिख दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।